भी क्रू हैं, बी डेक पे रहते हैं। बाकी ऑफिसर्स में यहाँ पर सी डेक और डी डेक पे रहते हैं। हमने लिखा हुआ है क्रू वन, और ये रहा मेरा कैबिन। अभी मैं आया हूँ ब्लास्ट कंट्रोल रूम, ये बीसीआर रूम है। यहाँ से एक्चुअली शिप को स्टेबल करने के लिए। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम सिराज है और आप देख रहे हैं SES मरीनर। गाइस, आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज लॉन्ग सेलिंग पे था। वीडियो तो बना सकता था बट नहीं बनाया, कुछ रीजन्स थे। तो गाइस, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ शिप का। शायद ये लास्ट वीडियो रहेगा, ये शिप का, विश्व विजय का लास्ट वीडियो रहेगा, बिकॉज साइन ऑफ होने वाला है अभी कुछ घंटों बाद में। मेरे रिलीवर्स आ जाएंगे, मेरे ही नहीं, सिर्फ और भी लोग हैं जितने भी साइन ऑन किए थे, सबके साइन ऑफ हो रहा है। तो हमारे साथ कैप्टन सर भी आए थे बट नहीं जा रहे, शायद उनका रिलीवर नहीं मिला रहेगा, इसीलिए वो अभी रहेंगे ऑन बोर्ड। मे बी कुछ दिन बाद वो भी साइन ऑफ कर लें। तो गाइस, मैं आज ये वीडियो में आपको एकोमोडेशन का टूर कराऊंगा। पहले आप ये यहाँ का व्यू देख लीजिए। मैं अभी हल्दिया में हूँ, हल्दिया पोर्ट पे, और हल्दिया पोर्ट पे चार्जिंग हो रही है। हमारा ये जो रिमेनिंग कार्गो, जितना भी कार्गो बचा हुआ था, वो अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद में हम, अभी तो हम उतर जाएंगे, उसके बाद जहाँ जाना है इस जहाज को जाएगा। तो देखिए, तो गाइस, अभी मैं आपको पूरे एकोमोडेशन का टूर दिखा कराऊंगा, और मैं आपका ब्रीफ में तो नहीं, मगर हाँ थोड़ा 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 करके मैं आपको नेविगेशन ब्रिज का दिखाऊंगा, जहाँ पर हम वॉच करते हैं, जहाँ से हम नेविगेट करते हैं शिप को। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। तो गाइस, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये ब्रिज है, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस रखा हुआ है। उसके बाद में ये हमारे मास्टर मास्टर चेयर है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है और लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसीलिए। तो सबसे पहले मैं ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जो हमारे नेविगेशन में यूज़ होता है। मेरे लास्ट वीडियो में देखे रहेंगे, थर सेकंड सर ने पूरा बताया था डिटेल्स में, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बट बताया था उन्होंने पूरा, जितना इम्पोर्टेंट था बता दिया था सर ने। अब मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से करके निकलता हूँ यहाँ से। तो ये GPS है। उसके बाद में ये हमारा, सर इसको बंद कर दो क्या? चलिए, कोई नहीं, ये वो देखो आएगा भी नहीं। आएगा ही आएगा। देखो इसको हम आपको रडार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया, तो आपने शिफ्ट में देखा होगा कि मूवीज में भी कि आसपास का कोई भी टारगेट होता है तो हमारे को इसमें मिल जाता है। आपको ये देखो कितना कुछ दिख रहा है इसमें ना, तो ये सब हमारे आसपास की लैंड है। हम लोग यहाँ पे हैं सेंटर में, तो ये आसपास जितनी है ये सारा ये ऑब्स्ट्रक्शन है। अभी यहाँ पे क्या कि हम पोर्ट में है, तो आसपास काफी सारे कंटेनर्स हो, जेटी जब हम सी में होता है तो इतने टारगेट नहीं होता। कोई एक बोट या कोई एक शिप होगा तो हमें सिर्फ वो एक डॉट दिखेगी, इतना सब कुछ नहीं दिखता। तो ये हमारा ये काम करता है, बहुत ही मेन चीज़ है हमारे शिप की। ओके, थैंक यू। गाइस, मैं इसे जल्दी से ख़त्म करूंगा। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, उसमें डिटेल में बताया हुआ है सेकंड सर ने। ये रहा हमारा स्टीयरिंग, यहाँ से होता है शिप स्टेयर, और ये सामने का व्यू। हाँ
मैं अभी आपको लेके चलूँगा मेरे कैबिन में और कैबिन का दिखाता हूँ और थोड़ा बेसिकली मैं बता दूँगा आपको कि कहाँ पर क्या क्या होता है, रहता है कहाँ पर, किसका किसका कैबिन रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम नेविगेशन ब्रिज से आए, पूरा कंट्रोल का पायलट रूम भी वहाँ पर था, ये पूरा देख सकते हैं। अभी नेविगेशन डेक से आए, ये यहाँ पर जो जो रहता है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब डी डेक पे देखिए, चीफ इंजीनियर सर का रूम है और कैप्टन सर का रूम है, बाकी ओनर्स रूम है, बाकी जूनियर ऑफिसर्स एंड जो कुछ भी रहेगा पूरा है। उसके बाद में सी डेक का मैं आपको दिखा दूँ। देखिए सी डेक पे इंजीनियर है, चीफ ऑफिसर है, उसके बाद में ये लॉकर्स है, कुछ लॉकर्स है यहाँ पर। उसके बाद में लॉन्ड्री एंड डाइनिंग रूम भी इसमें है। तो उसके बाद देखिए ये बी डेक पे मैं रहता हूँ, मेरा कैबिन है क्रू वन की तरह, यहाँ पर क्रू वन ये मेरा कैबिन है। उसके बाद में जितने भी क्रू हैं बी डेक पे रहते हैं, बाकी ऑफिसर्स में यहाँ पर सी डेक और डी डेक पे रहते हैं। तो गाइस और ए डेक पे बेसिकली मेस रूम, लॉन्ड्री, ये सब जितना भी कुछ भी होता है, स्टोर्स वगैरह भी है वहाँ पर। और अपर डेक पे देख सकते हैं हॉस्पिटल रूम है, उसके बाद में पूरा टेली ऑफिस वगैरह, जिमनीजियम और सिर्फ लॉन्ड्री वगैरह सब कुछ वहाँ पर है। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस वी डेक पे आ गए, अभी मैं आपको अपने कैबिन में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ मेरा कैबिन कैसा है, कैसा दिखता है। किसी ने दो तीन जन ने पूछा, किसी ने पूछा भी था कि आपका अपना कैबिन दिखा दो। तो भाई साहब चलिए मैं आपको कैबिन में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ मेरा कैबिन। ये देखिए सामने लिखा हुआ है 31 और ये रहा मेरा कैबिन। यहाँ पर बेड है, मैं यहाँ पर सोता हूँ। बैग वगैरह मेरे पैक हो गए, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए बैग्स मेरे पैक हैं, रखे हुए। जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही वो लोग आ जाएंगे, मैं यहाँ से 9:00-11। तो गाइस देखिए यहाँ पर बैग है, चेयर्स वगैरह है, सोफ़े हैं। मैं तो इसका कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मेरे कपड़े हैं, अभी चेंज कर लूँगा जैसे वो लोग आएंगे, चेंज करके हैंड ओवर करके चले जाऊँगा। यहाँ पर फ़ैन है और एसी का दिखा दूँ, यहाँ पर रहता है एसी का, ये एसी का है। और ये वॉल्यूम रहता है, जैसा कुछ प्रॉब्लम हो गया या कोई अनाउंसमेंट वगैरह रहेगा तो यहाँ से पता चलेगा। इसका वॉल्यूम का बटन भी है यहाँ पर। गाइस तो आप देख रहे हैं ये छोटा सा कैबिन है मेरा, छोटा क्या सही है, मतलब एक पर्सन के लिए ये टेबल है, स्टडी टेबल या लैपटॉप वगैरह जो कुछ भी रखना रहेगा रख सकते हैं। फोन भी है, ब्रिज से कॉल कर कोई करेगा या कुछ भी इंपॉर्टेंट बात होगी या कैसा भी बात करना रहेगा तो टेलीफोन से बात करते हैं हम। बाकी आप देख रहे हैं ये है मेरा कैबिन और ये तो गाइस आज इस जहाज पे मेरा लास्ट दिन है, तो मैं अपना साइन ऑफ ब्लॉग भी बनाऊंगा। साइन ऑन ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, साइन ऑन ब्लॉग आज साइन ऑफ ब्लॉग भी बनाऊंगा, तो ये भी देखिएगा और मेरी लास्ट के वीडियोस देखिए प्लीज, काफी अच्छे हैं, इन्फॉर्मेटिव भी वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, तो आप जाके देखिए। और मैं आपको दिखा दूं मेरा वॉशरूम, कैबिन में ही वॉशरूम रहता है, अटैच्ड है, देखिए। ये एंटर हुए तो यहाँ से ये रहा वॉश बेसन, ये कुछ सामान रखने के लिए है, और ये शावर बकेट भी रखा हुआ है, और वॉशरूम में टॉयलेट भी अटैच है। तो गाइस ये रहा, ये इंडियन टॉयलेट्स है, क्रू के लिए इंडियन टॉयलेट्स है और ऑफिसर्स के लिए इंग्लिश टॉयलेट है। तो गाइस ये है मेरा पूरा कैबिन, तो मैं अभी आपको जाके मेस रूम और गैली भी दिखा दूंगा। उसके बाद में बीसीआर वगैरह का थोड़ा अगर मौका मिलेगा तो बता दूंगा, और फिर ज़्यादा बड़ा इस ब्लॉग को नहीं करेंगे। ये हमारे चीफ साहब, ये इनका कैबिन है क्रू 10। ये तो किया था, क्या बनाया चीफ साहब आज? अभी होटल में जाके खाना। तो क्या खाना है, क्या बनाए आज? बटर चिकन।
बटर चिकन है। ये हमारे चंद्रकांत भाई, ये इनका कैबिन है, ये बस हैंडओवर के लिए एकदम रेडी कर रहे हैं। देखो अभी सर्विंग भी नहीं, आज हमारा साइन ऑफ है तो हम भी हैंडिंग ओवर के लिए रेडी हैं। हम वेटिंग कर रहे हैं कि हमारा कब नया क्रू आएगा, जैसे ही आएगा तो हम उनको हैंडिंग ओवर करेंगे। बस 9 to 11 होना है, बताएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। कितने महीने की जेल काटे आपने भाई? मैंने 8 महीने काटे हैं। मैं लेके चलता हूँ आपको नीचे की तरफ और एक दो चीज़ें और दिखा दूँ, उसके बाद में मैं वीडियो बंद करूँगा। गाइस ये है, यहाँ पर हम खाना बैठ के खाते हैं। हाँ ये गाइस गैली, ये ऑफिसर्स डाइनिंग टेबल, और ये पेंट्री है। तो गाइस मैं फटाफट लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको, सब खाना वगैरह रेडी कर दिया हमारे चीफ कुक साहब ने। और गाइस मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा दूँ, ये रिक्रिएशन रूम है। टीवी है, थोड़ा टाइम पास करने के लिए हम यहाँ आ जाया करते हैं। ऑफिसर्स का अलग है, क्रू का अलग है, ये क्रू वाला है। और गाइस ये कैरम वगैरह खेलने के लिए रखा हुआ है, खेलते हैं लोग, जिसको टाइम पास करना होता है टाइम पास करने के लिए आते हैं। तो गाइस चलिए चलता हूँ मैं। गाइस अभी मैं आया हूँ बलास्ट कंट्रोल रूम, ये बीसीआर रूम है। यहाँ से एक्चुअली सिप को स्टेबल करने के लिए हम पानी दो सी वाटर दोनों साइड भरते हैं सिप बलास्ट टैंक में। तो यहाँ से पूरा कंट्रोल होता है, ये कहाँ कौन से टैंक में कितना पानी है जा रहा है, कितना निकल रहा है, पूरा यहीं से कंट्रोल होता है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से थोड़ा बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये थोड़ा बाहर का व्यू है। तो गाइस अभी मैं एक चीज लास्ट चीज और दिखाने चल रहा हूँ, जो है हमारा क्रू लॉन्ड्री। देखिए क्रू लॉन्ड्री अलग है, एक ऑफिसर लॉन्ड्री अलग है और एक शिप्स लॉन्ड्री अलग है। तो गाइस मैं आपको अभी क्रू लॉन्ड्री दिखाऊंगा, तो चलिए मेरे साथ में। ये रहा क्रू लॉन्ड्री, यहाँ पर है एक बॉयलर के लिए, एक के बेसिकली अच्छे क्लोथ के लिए। तो और ड्रायर रूम में दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर कपड़ा सुखाने के लिए हम रखते हैं, और ये यहाँ से हीट जनरेट होता है। तो गाइस मैं वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करता हूँ, और तो गाइस अभी मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और आप देखते रहिए SAS मरीनर। बाकी मेरे लास्ट के ब्लॉग बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं, डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, तो जाके देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से ये होगा कि जितने भी लोग नहीं जानते मर्चेंट नेवी या सिप के बारे में, तो वो लोग जानेंगे। तो गाइस चलिए चलता हूँ। Have a nice day.